और कोई ध्यान यानी क्या है? फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, वेरी गुड। और आप ये वर्ड सुना है कि कभी, अहम ब्रह्मास्मि? सुना? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग पता नहीं है। इसका मीनिंग पता नहीं, बट ये वर्ड तो सुना है, बहुत बार हम इसके बारे में चर्चा किया है, नहीं तो बोला हुआ बातें किया था, राइट? ये अहम ब्रह्मास्मि यानी क्या है? इसका मतलब ये है, हम ही ब्रह्म हैं, वी आर क्रिएटर्स, राइट? अहम ब्रह्मास्मि यानी हम सृष्टि करता है। हम क्या सृष्टि करता है? अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है? हम वहां तक पहुंचने के लिए ध्यान हमको कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। ध्यान एक माध्यम है किसके लिए? किसके लिए माध्यम होता है, हम थोड़ी जानकारी लेंगे। सर आप आइए। यहां कोई दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं? इसके बारे में जानकारी है क्या आपके पास? है क्या? आपका बच्चे बस इतना ही पर्चे? और कुछ है क्या? खाली केवल शिरफ इतने ही पर्चे? और कुछ? ये केवल शिरफ को क्या है? हाँ जी, ये इनका क्वेश्चन नहीं है, आप सबका भी। ये हम सबका क्वेश्चन है। खाली इन्होंने क्या बोला था अभी? यानी क्या है? हाँ, ये नाम है। आपका परिचय क्या है? आपका परिचय किधर है? हाँ देखिए, मैं एक बताता हूँ। केवल शरफ जो है यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया, राइट? क्या पढ़ाई? SYBMS। कहाँ से आया? ये सब इनका जानकारी है ना? परंतु इसमें एक करेक्शन है। क्या है? केवल शरफ जो है ये शरीर का नाम है क्या? ये शरीर के अंदर जीने के लिए आया हुआ उनका नाम है क्या? हाँ, ये शरीर को दिया हुआ नाम है जो अंदर है जीने के लिए। देखिए, आपको ये दिखाई दे रहे है यहाँ, एक ये रामबाबू का शरीर है। यही रामबाबू नहीं है? कैसे? देखिए, इन्होंने कुछ पहना है शर्ट, राइट? ये केवल शरफ का शर्ट है, राइट? बट ये केवल शरफ नहीं है, है ना? तो केवल शरफ का जानकारी कहाँ मिलेगा? इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? ये बोल रहे हैं ये शर्ट ही में है करके।
हम यहाँ से घर जाने के समय पे गाड़ी के ऊपर बैठता है, गाड़ी में बैठता है, हम गाड़ी नहीं होता है ना। ये राम बाबू का शरीर है, राम बाबू इसी के अंदर जीने के लिए आया था, वैसा आप सब भी। एक दिन क्या होता है, राम बाबू इसी के अंदर से चला जाता है, कहाँ जाता है, हाँ जी कहाँ जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं, क्यों। हाँ ठीक है, आप सब लोग अभी कॉलेज के आने के पहले कहाँ से आया था, घर से आया था, वेरी गुड। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद में किधर जाता है, घर में जाता है, राइट। वैसा ही हम इस शरीर के अंदर कुछ सीखने के लिए आया, कहाँ से, घर से। हमारा घर कहाँ पे है, हाँ ऊपर है हमारा घर। इस शरीर के अंदर हम कुछ सीखने के लिए आया, क्या सीखना है अभी फिलहाल पता नहीं है, थोड़ा समय के बाद में जानकारी मिलेगी। फिर सीख लिया, सीखने के बाद में किधर जाता है ना। अभी घर घर जाने के समय में कोई रोता है क्या, स्कूल घर में आना शुरू किया था, घर में आना शुरू किया, आने के लिए डिसाइड किया था, हम क्या क्या ले जाना है सब प्लान करके आता है ना। कौन सा ड्रेस पहनना है, क्या लेके जाना है, क्या बुक्स लेके जाना है, पेन ले जाना है क्या नहीं, ये सब हम पहले ही डिसाइड करता है। डिसाइड होने के बाद में उसको पकड़ के आता है यहाँ पे। आज साइंस का सब्जेक्ट है तो आर्ट्स का बुक्स लेकर आता है क्या, क्यों। हाँ वैसा ही हम आने के समय पे हम जो जो सीखना है वो सब इन्फॉर्मेशन के साथ में आता है। यहाँ आने के बाद में ये शरीर के साथ में जुड़ जाता है, ये शरीर हूं मैं, इतना ही जानकारी है हमारे पास। कारण कारण ये है, कारण इसी के अंदर जो जीने के लिए आया था, जो असली केवल शर्फ है उससे मिला नहीं, इसकी वजह से फिलहाल अभी शरीर ही केवल शरीर बन गया। जब इसके इसी के अंदर वालों से हम मिलने के लिए देखता है, इसी के अंदर और एक जीने के लिए आया था, वो एक दिन चला जाएगी, है ना, राइट। हम बचपन से देख रहे हैं हमारा ग्रैंड फादर लोग, ग्रैंड मदर, नहीं तो पड़ोसी पड़ोसी का ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, माता पिता, कुछ बच्चों, हर एक यहाँ से वहां जाने वाला है, यहाँ जो जन्म लिया था वो यहाँ से फिर वापस चला जाता है ना। फिर बीच में ये क्या करना है, यहाँ पे ये सब प्लानिंग है, इसका प्लानिंग कहाँ पे है, अंदर जो आया है उनके पास। जब उनसे मिलन होना शुरू होता है तभी आपको आपके ऊपर विश्वास आना शुरू करता है, कॉन्फिडेंस, आप बोल रहे हैं ना। कॉन्फिडेंस कहाँ मिलता है, खुद के पास मिलता है, खुद ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस कहाँ रहता है, आजू बाजू वालों के पास। मुझे ये बताइए आपका लाइफ में आप आज तक कितना समय बैठा है, आज तक आप आपका जिंदगी में कितना समय है, सत्रह साल, ठीक है मैं बताता हूं, सुनिए, सत्रह साल है क्या नहीं आप बताना है। जैसा आंख खोलता है हमारा माइंड को है ना दूसरा और किसी को लेकर आके यहां बिठाता है, राइट, और माइंड इज ऑक्यूपाइड, राइट, है ना। कभी जैसा आंखें खोलता है हम सवेरे वैसा दूसरे का सोच,
लेकर आना शुरू करता है, वो आके यहाँ बैठ जाता है, राइट। आप बाहर चले जाते हैं उनके पास मन का माध्यम से, राइट राइट। यानी हमारा शरीर जो है वो रेंट हाउस है, अभी कहाँ कभी तक रहता है आके, फिर वापस बंद होने के समय तक हमारा मन बाहरी दुनिया के साथ में जुड़े रहता है, घूमते रहता है ना, राइट राइट। दूसरों का सोच विचार, अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड्स, टीचर्स, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कौन रहता है हमारे माइंड के अंदर, हमारा एनिमी, हमारा दुश्मन, राइट। हाँ, उनको ये शरीर दे रहे हम बाहर जा रहे मन के माध्यम से, राइट। फिर उतना समय हम बाहर ही है तो फिर आपको आप कैसे मानता है, अभी बताइए, आप इतना साल में से कितना समय आपके साथ में आप जुड़ा है, कितना समय आपके लिए आप दिया है, एक घंटा, ये 17 साल में कितना समय आप आपके साथ में है, सोचने की बात है। ये इनका ये एक का ही नहीं है, हम सबका, यहां बैठा हुआ सबका, बाहर आप आपका लाइफ में है ही नहीं, फिर आपको आपके ऊपर विश्वास कैसे आता है, आप आपको मानता कैसे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है। Don't listen to music. Feel it. Don't do any breathing exercise. Experience it.